उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला का आतंक इस कदर पसरा हुआ है जिसके डर से इसराइल का एक भी सेटलर दोबारा अपने सेटलमेंट्स में लौटना नहीं चाहता है। दरअसल लेबनान से लगी सीमा पर बसे सेटलर्स को इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के हमलों की वजह से बाहर निकाल लिया था और अब ये सेटलर्स दोबारा से अपने घरों में लौटना नहीं चाहते क्योंकि इसकी बड़ी वजह है हिजबुल्ला के वो हमले जो अब सेटलमेंट से कहीं दूर तक पहुंच चुके हैं, यानी कि अब हिजबुल्ला के हमलों की रेंज इसराइल के भीतर काफी दूर तक पहुंच चुकी है। इसी को लेकर इसराइल की न्यूज वेबसाइट वाईनेट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हिजबुल्ला के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमलों की रेंज में करीब अतिरिक्त 1,20,000 इसराइली आ चुके हैं जिन पर हिजबुल्ला आसानी से हमला कर सकता है। वाईनेट का कहना है कि नहरिया शहर में 2 मई 2024 को हुए हमले की वजह से सेटलर्स 3 बार सुरक्षित जगहों पर छिपने के लिए भागे थे जबकि आका सेटलमेंट में हवाई हमलों के सायरन लगातार 3 बार बजे थे। वहीं कैटजरीन में हिजबुल्ला के रॉकेटों की वजह से आग लग गई थी। वाईनेट के मुताबिक मई 2024 में हिजबुल्ला ने कुल 325 हमले किए थे यानी कि औसतन एक दिन में 10 हमले हुए। वहीं अप्रैल 2024 में ये आंकड़ा 238 था यानी कि इस महीने में औसतन 7.8 हमले रोजाना हुए। अब हिजबुल्ला ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ड्रोन हमले दोगुना से ज्यादा तेज कर दिए हैं। अप्रैल में हिजबुल्ला ने 50 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले किए थे जो मई में बढ़कर 95 हो गए थे। अप्रैल में हिजबुल्ला ने 42 ड्रोन हमले किए थे जो मई 2024 में बढ़कर 85 हो गए थे। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 महीने में हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों में 12 गुना इजाफा हुआ है। वाईनेट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि नहरिया और आक्का अन्य इलाकों के मुकाबले काफी शांत है लेकिन अब इन इलाकों में पिछले महीनों से हिजबुल्ला के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 के बीच आक्का सेटलमेंट काफी शांत था लेकिन हालिया दिनों में इन सेटलमेंट में हालत बदल गए हैं। नहरिया इलाके में पहली बार हिजबुल्ला का एक ड्रोन आकर गिरा था। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि 2 मई 2024 को उसने हिजबुल्ला की तरफ से दागे गए कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाई थी जिसकी वजह से ये ड्रोन पहले क्रैश हुए और फिर उसके बाद यहाँ पर भीषण आग लग गई थी। आपको बता दें कि 1 मई 2024 को आक्का में एक ड्रोन अटैक हुआ था और इसके अगले दिन भी यहाँ पर ड्रोन का एक पंख मिला था और इन हमलों को लेकर वाईनेट वेबसाइट का कहना है कि नहरिया और आक्का आबादी में काफी बड़ी है जिन पर हालिया दिनों में हिजबुल्ला ने हमला किया है लेकिन चिंता की बात यह है कि इन दिनों सेटलमेंट्स को पूरी तरह से खाली नहीं कराया गया है।